दे रहे हैं हम योगी दादा के पास एप्लीकेशन दे देंगे। तो कहीं तो किसके पास इलाज करवा रहे थे, कौन सा? प्रदीप अग्रवाल के पास, फिर प्रदीप के बाद सलीम डॉक्टर ने वो इलाज कर रहे क्या किया है। यूपी के रायबरेली जिले में तैनात डॉक्टरों के एक से बढ़कर एक कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं। अभी कल निधि नर्सिंग होम सत्यम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मासूम बच्चे के हाथों में हुआ इन्फेक्शन से हुआ गैंग्रीन में बदलने का मामला शांत भी नहीं हुआ कि आज जिला अस्पताल में तैनात दो डॉक्टरों की लापरवाही फिर सामने आ गई है। जहां पैर का इलाज कराने गए युवक का डॉक्टरों ने ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर पैर की जगह पेट का ऑपरेशन कर दिया। पहले आप पीड़ित की जुबानी सुनिए। राजकुमार सिंह कहाँ रहते हैं? लालगंज बसवाड़ा गाँव डीके में थाना लालगंज। यहाँ किस लिए आए? यहाँ पैर का इलाज कराने आए थे। कहाँ पे आए? सरकारी अस्पताल में। फिर क्या हुआ? सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे थे, हमारी अच्छी तरह से इलाज नहीं कर रहे थे, पैसा भी ले रहे थे। जब पैसा ले रहे थे तो हम कहें तुमको गवर्नमेंट जब पैसा दे रही हम योगी दादा के पास एप्लीकेशन दे देंगे। तो कहीं तुम किसके पास इलाज करवा रहे थे? प्रदीप अग्रवाल के पास, फिर प्रदीप के बाद सलीम डॉक्टर ने वो इलाज कर रहे क्या किया है उन्होंने आपके? वो हमारे साथ जो उनके खिलाफ एप्लीकेशन दिए हैं उनका सीधा गाड़ी सबके सामने बेइज्जती की है। तो हमारा पेट चीर कर हमारे शरीर से क्या निकाले ये हमको नहीं मालूम, और सुन की सुई लगा दी है हमारे। नहीं, इलाज पैर का हो रहा था, ऑपरेशन पेट का कर दिया। हाँ, उसकी शिकायत डॉक्टर से कहा नहीं आपने? वह डॉक्टर लगा, डॉक्टर और सीमो साहब सब लोग थे, वो मौके में आए जो निहार के भाग गए। तो पुलिस आज यहाँ कहाँ पे आए हैं? लाइब्रेरी आए थे डीएम साहब के लग। हम कहें डीएम साहब के पास एप्लीकेशन दे दे एसपी साहब के लिए, वो पेपर में आप करा देंगे। नहीं, तो क्या कहा जिलाधिकारी ने? क्या कहा जिलाधिकारी ने? कहा बेटा तुम्हारा सब काम बेटा होगा। कार्रवाई का आश्वासन दिया है? हाँ, कहीं बेटा तुम्हारा सब काम होगा। तो उनके सामने हम तेज तेज बोल रहे थे तो सब लोग कहें बेटा तुम्हारा सब काम होगा। हम कहें हमको कर ले तो देर नहीं, हमको हमारी। दरअसल रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के दीपे मऊ गांव के रहने वाले राजकुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय उदयपाल सिंह उम्र लगभग 36 वर्ष पैर का इलाज कराने के लिए रायबरेली जिला अस्पताल गए हुए थे, जहां उन्होंने डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल ने उनका इलाज किया, जिसके बाद उन्होंने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम के पास भेज दिया गया, जहां डॉक्टर सलीम पीड़ित राजकुमार को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर बेहोशी का इंजेक्शन दिया और पैर का ऑपरेशन न करके पेट का ऑपरेशन कर दिया। पीड़ित राजकुमार ने आरोप लगाया और पीड़ित अब न्याय के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है। राजकुमार पीड़ित वहीं इस मामले में फोन करके डॉक्टर से जानकारी ली गई तो डॉक्टर सलीम से उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक बार डॉक्टर ने हमारे पास कंट्रेक्शन के लिए भेजा था, वह हो सकता है उसी को लेकर यह बात कह रहे हों, मगर हम हार्ड के चिकित्सक हैं, हमें पेट और पैर से कोई मतलब ही नहीं है, वह फर्जी आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि रायबरेली में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चौपट होती हुई दिखाई दे रही हैं। कभी निजी नर्सिंग होम का मामला सामने आता है तो कभी सरकारी अस्पताल का मामला सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर एक्सप्रेस।